जादू के खेल देखता फिरता था। तो उसने कहा कि आप कोई चमत्कार दिखाओ। तो आप जानते हैं हम लोग ज्यादा चमत्कार दिखाने वालों को ठग ही समझते हैं। भक्त लोग अपनी भावना से किसी में चमत्कार देख लें, ये तो उनकी श्रद्धा है, उनकी भावना है और उनके सद्भाव की हम प्रशंसा करते हैं। और जब कोई अपनी ओर से चमत्कार दिखाने लगता है, श्री भगवान, तब तो वो महात्मा नहीं जादूगर है। महात्मा दूसरी चीज होती है और जादूगर दूसरी चीज होता है। तो उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि एक पानी की कणा में से, एक कण जल में से इतना बड़ा शरीर निकला और वो चलता है, बोलता है, हंसता है, सोचता है, नाचता है, गाता है, बजाता है। एक पानी के कण में से इस शरीर का निकल आना और सोचना, बोलना, हंसना, गाना, चलना, फिरना और फिर दो चार बच्चे और पैदा करके ज्यों का त्यों पानी की बूंद में मिल जाना, मर जाना, अगर तुमको ये चमत्कार नहीं मालूम पड़ता है कि ये कोई जादू का खेल हो रहा है, ये नहीं मालूम पड़ता, तो दुनिया में चाहे कितना बड़ा भी जादू का खेल दिखाया जाए, उसको तुम जादू क्या समझोगे? जब असली जादू को जादू नहीं समझ रहे हो, तब नकली जादू को तुम क्या जादू समझोगे? तो वो सचमुच जादूगरों के चक्कर में था। थोड़ा बनारस में जादू देख के आया गंधी बाबा से, थोड़ा फलाने जगह, थोड़ा दिखाने जगह, और बाद में वो बिल्कुल नास्तिक हो गया। उसने कहा कि ये जादू दिखाने वाले लोग जो हैं, ये बिल्कुल ढोंगी हैं और मैं इनके चक्कर में फंस करके इधर उधर हिंदुस्तान में जादू गुप्त भारत की खोज हिंदी में उसकी पुस्तक उन दिनों में छपी थी, अंग्रेजी में भी छपी थी। बाद में उसने सब पर पानी फेर दिया कि हमने ये जो जादू के खेल देखे ये सब के सब झूठे। तो नारायण, ये जो प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, प्रपंच का अर्थ समझो आप, प्रपंच की रचना, ये पांच हैं हमारे पास, जादू के पांच हथकंडे हैं हमारे पास, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ये जादू के पांच हथकंडे हैं। और एक ही चीज को ये पांच तरह का करके दिखाते हैं। एक सत्य है, एक सत्ता है, समझो, उसको आंख रूप दिखाती है, उसको कान शब्द बताता है, उसको त्वचा स्पर्श बताती है, उसको नाक सुगंध बताती है, जीभ रस बताती है, एक ही चीज है। तो ये आया कहां से? वो जादूगर कौन है जिसने एक ही चीज को पांच करके बता दिया? वो जादूगर कौन है? तो बोले कि जादूगर तो है पर इस जादू के ख्याल से, खेल से न्यारा है। आप ब्रह्मसूत्र पर हमारी बात को आरंभ कर लो, जन्माद्यस्य यतः, यतः अस्य जन्मादि, जिससे इसका जन्म, स्थिति और प्रलय होता है। इसका, इसका माने प्रपंच का, ये जो इंद्रियों से दुनिया मालूम पड़ती है, मन से मालूम पड़ती है, बुद्धि से मालूम पड़ती है और जिसमें मन बुद्धि भी शामिल है, सो इस माने इदम, यह जो कभी किसी भी अवस्था में यह के रूप में मालूम पड़ने वाली चीज है, साक्षी भाष्य है, आभास भाष्य है, जहां भी इदम जुड़ जाता है, ये कैसा है तो अब पैदा हुआ, देख लो आ गया अधिष्ठान के पर्दे पर,
अधिष्ठान के पर्दे पर आ गया कोटि कोटि ब्रह्मांड। देख लो अधिष्ठान के पर्दे पर दिखने लगे ब्रह्मा विष्णु महेश, और हर ब्रह्मांड में अलग 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 स्वर्ग, अलग अलग नरक, अलग अलग पशु पक्षी मनुष्य, अलग अलग ये सारी सृष्टि दिखने लगी। कहां का अधिष्ठान? ब्रह्म रूप अधिष्ठान के पर्दे पर ये इंद्रियां और इंद्रियों के प्रपंच दिखाई पड़ रहे हैं। तो बोले फिर ब्रह्म कौन है? तब जो जादू के खेल की तरह आता नहीं है, जो जादू के खेल की तरह जाता नहीं है, जो ज्ञानवान बन करके बैठता नहीं है, अज्ञानी बन के बैठता नहीं है, जो दुखी बन के बैठता नहीं है, सुखी बन के बैठता नहीं है। असल में सुखी होना दुनिया में ढोंग है, दुखी होना भी दुनिया में ढोंग है, ज्ञानी होना भी दुनिया में ढोंग है और अज्ञानी होना भी दुनिया में ढोंग है, हैं? और ये कहना कि हम अजर अमर हैं, कभी नहीं मरते हैं, ये भी ढोंग है, और हम मरते हैं ये भी ढोंग है। ये शरीर एक ढोंग है और इसमें जन्मना मरना ढोंग है, इसमें मिलना बिछुड़ना ढोंग है, नाटक है, इसमें जाना आना ढोंग है, इसमें सुख दुख ढोंग है, इसमें नरक स्वर्ग ढोंग है। ये सब ऊपर ऊपर की बात है। भीतर जो इसके जन्माद्यस्त जता है, जो इस जादू की कठपुतली को नजाने वाला इसके भीतर बैठा हुआ है, सच्चिदा आनंद घन पर ब्रह्म परमात्मा, असल में उसको पहचानना है। जन्माद्यस्त जता है, उसका जन्म नहीं है, उसमें दृश्यता नहीं है, उसमें मृत्यु नहीं है, उसमें जन्म मृत्यु नहीं है, उसमें दृश्यता नहीं है, उसमें सुख दुख का द्वंद्व नहीं है, उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें संयोग वियोग नहीं है। ऐसा जो अभिन्न पदार्थ है उसका नाम जट है। जट येति एति एति सर्वरूपेण अवभासते इति यत् एति इन गतौ धातु से एति इति यत् तस्माद् यतः। ये है तो सर्वनाम, यत् सदा यत् सब जो है वो सर्वनाम है, परंतु सर्वनाम की भी व्युत्पत्ति होती है। एति इति यत् एति सर्वरूपेण अवभासते इति यत् जो सर्वरूप से प्रकट होता है, प्रकाशित होता है, उसका नाम है यत्। वो कैसा है? तत् जन्मवन न भवति, क्षितिमन न भवति, भंगवन न भवति, इदम न भवति। वो जन्मवान नहीं है, क्षितिमान नहीं है, प्रलयवान नहीं है और इदम नहीं है, क्योंकि इदम का तो हस्त का तो हेतु है, इसलिए इदम नहीं है। तरी किम भवति? फिर वो क्या है? अनिदम भवति, इदंतात् क्रांतम न भवति, दान मनसा गोचरम भवति। वो इदंता से आक्रांत नहीं होता, दान मनसा गोचर होता है। तब ये प्रश्न हुआ कि फिर उससे कार्य कारण संबंध ज्ञात कहां से हुआ? हम ये सोच सकते हैं कि ये सृष्टि किसी से पैदा हुई है, पर उसी से पैदा हुई, ये बात कैसे सोच सकते हैं? अरे बाबा, जब तक सृष्टि सच्ची मालूम होती है तब तक ऐसे ही जोड़ते हैं कि ये उससे पैदा हुआ है। तो ये क्या बात है? तो देखो, सपने में एक आदमी आया, उसकी उम्र थी 30 वर्ष की, है ना, और उसका नाम था लोकूराम, लोकूराम था। वो अपने बेटे को साथ ले आया था। बेटे का नाम है करतंतुराम था, समझो। दोनों एक साथ आए सपने में,
पांच बरस का बच्चा और तीस बरस का बाप है। लोगों ने कहा देखो ये बेटा है और ये बाप है। बाप से पूछा तो उसने कहा ये हमारा बेटा है, और पांच बरस के बेटे से पूछा तो उसने कहा कि ये हमारा बाप है। सच्ची बात सच्ची बात नहीं है, दोनों एक साथ पैदा हुए हैं। एक ही क्षण में जब दोनों पैदा हुए तो बाप बेटे कहां थे? वो सपने का बाप और सपने का बेटा एक मिनट में पैदा हुए कि नहीं हुए? एक गर्भाशय में पैदा हुए दोनों, एक गर्भाशय में और एक काल में और एक उपादान से और एक बीज से। एक बीज वासना से एक ही अंतःकरण रूप गर्भाशय में एक ही काल में बाप और बेटा दोनों बीज गए, उनका संबंध कैसा? इसको बोलते हैं वेदांत का विचार है। ये जो लोग स्वप्नवत विचार से डरते हैं तो कह रहे सपने का नाम मत ले, कह रहे रज्जु सर्प का नाम मत ले, तो क्यों ये तुम्हारे अकल पर हावी हो जाता है क्या? अरे अकल हो तो इस पर विचार करो। जो कहता है कि इस बात पर हम विचार नहीं करेंगे वो विचार का दुश्मन है, अभिचारी है। तो जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म की पहचान क्या है? कि ब्रह्म की पहचान यह है कि एक पर्दे पर कितने लोग बनते हैं, रहते हैं, बिगड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, और वो अनिदम रूप जो अधिष्ठान है, सृष्टि का मूल पर्दा है, वो ज्यों का त्यों। अच्छा एक बात और देखो, कि यदि वो वस्तु जड़ ही हो तब तो बीजात्मक हो सकती है, और यदि चेतन हो तो बीजात्मक नहीं हो सकती। बीज उसकी उपाधि में होगा, उसमें नहीं होगा। ये हम वेदांत से नियम सुनाते हैं आपको। औपाधिक माने दूसरी में कोई चीज है, दूसरी चीज में कोई चीज है और दूसरे में मालूम पड़ती है। तो चेतन में बीज हो सकता है कि नहीं, इस पर विचार करें। असल में सत्य में भी बीज नहीं हो सकता, चेतन में भी बीज नहीं हो सकता, आनंद में भी बीज नहीं हो सकता। आनंद में जो भेद है वो भी औपाधिक है, अंतःकरण की उपाधि से, और ज्ञान में जो वृत्तियात्मक भेद है वो भी अंतःकरण की उपाधि से, और सब में जो आकृत्यात्मक भेद है वो भी अंतःकरण की उपाधि से। अंतःकरण और इंद्रिय की उपाधि से ही सत्ता में सकल सूरत अलग अलग दिखाई पड़ती हैं, अलग अलग नाम मालूम पड़ते हैं, अलग अलग वृत्ति होती हैं अंतःकरण की उपाधि से ही, और अलग अलग सत्ता सुख दुख मालूम पड़ता है। न आनंद में भेद है, न चेतन में भेद है, न सुख में, न सत्ता में भेद है। भेद नाम की चीज तो कहीं है ही नहीं है। सत्ता अद्वैत है, चेतन अद्वैत है, आनंद अद्वैत है, और अद्वैत 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 है, अद्वैत 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 है, आनंदाद्वैत, चिदद्वैत, सदद्वैत, अद्वैत। अद्वैत में गुणाभाग, अद्वैत में गुणाभाग तो होता ही नहीं। अच्छा अब नारायण आपको ये बात सुनाते हैं कि जन्माद्यस्य यतः कह के भी चेतनत्व की सूचना तो दे दी। तो बड़े स्थूल दृष्टि से विचार जब करते हैं तब ये मालूम पड़ता है कि जो जगत का कर्ता है वो सर्वज्ञ भी है।
मानो जब कर्म की उपाधि जोड़ते हैं ना सच्चिदानंद के साथ, जब कर्म की उपाधि जोड़ते हैं तो जो सत्ता है वो कर्ता के रूप में, और जो चेतन है वो सर्वज्ञ के रूप में, और जो आनंद है वो महाभोक्ता के रूप में। माने एक परमेश्वर बन करके, ब्रह्म परमेश्वर बन करके तब प्रकट होता है जब हम प्रपंच की उपाधि उसके साथ जोड़ते हैं जोड़ते हैं हम। हाँ, जोड़ देते हैं हम उसके साथ। देखो फोटो कोई लेता है और हम चंदन टीका लगा लेते हैं अपने माथे में, तो हमारा लगाया हुआ चंदन टीका जो है वो फोटो में आता है कि नहीं? जो चंदन टीका लगाते हैं माथे में हम, और वो फोटो में उतर जाता है। आप देखो किसी वस्तु की उत्पत्ति के लिए जब हम बीज बोते हैं, ये सृष्टि स्थिति प्रलय का प्रसंग है, एक देश में एक चीज पैदा होती है, दूसरे देश में वो चीज पैदा नहीं होती है। ये बात आपने देखी है कि नहीं? कई अन्य ऐसे हैं जो एक देश में पैदा होते हैं, दूसरे देश में पैदा नहीं होते। कहीं गेहूं पैदा होता है कहीं नहीं, कहीं ज्वार पैदा होता है कहीं नहीं। अच्छा, किसी ऋतु में पैदा होते हैं किसी ऋतु में नहीं, धान की ऋतु अलग है कि नहीं? तो देखो बीज को अंकुरित होने के लिए स्थान अनुकूल चाहिए और नारायण समय भी अनुकूल चाहिए और मिट्टी भी अनुकूल चाहिए ना? अनुकूल मिट्टी अनुकूल चाहिए। किसी मिट्टी में कोई चीज पैदा होती है कोई चीज नहीं पैदा होती है। अभी नारियल सुपारी को ले जाकर के हिमालय में लगा दें तो ये तुम्हारी नारियल और सुपारी समुद्र के किनारे तो होती है परंतु हिमालय पर तो नहीं होती है। कई चीज सर्दी में होती है गर्मी में नहीं होती है, कई चीज गर्मी में होती है सर्दी में नहीं होती है, सर्दी में गल जाती है, और कई चीज लाल मिट्टी में होती है, कई चीज काली मिट्टी में होती है, कई चीज सफेद मिट्टी में होती है। ये देखो अच्छा, पर मिट्टी भी हो और स्थान भी हो, अनुकूल देश भी हो और अनुकूल काल भी हो, पर बीज ही न हो तो कुछ पैदा होगा? तो बीज बिना पैदा नहीं होगा। अब ऐसे देखो जीव का देखो, इसके लिए स्थान चाहिए है ना, गर्भाशय। गर्भाशय के बिना जीव बोया जा सकता है? काल चाहिए, ऋतुमती स्त्री का काल चाहिए, नहीं तो जीव कैसे बोया जाएगा? और मिट्टी भी तो चाहिए ना। माने गर्भाशय में अनुकूल अनुकूल धातु चाहिए जिसके साथ मिलने पर वो जीव अंकुरित हो सके। तो गर्भाशय का स्थान चाहिए, अनुकूल ऋतु चाहिए, गर्भाशय में अनुकूल धातु चाहिए, और महाराज बीज बीज न हो तो अनुकूल देश होने पर, अनुकूल काल होने पर, अनुकूल मृतिका होने पर, क्रिया होने पर भी। परंतु जब बीज न हो, बीज अपना संस्कार लेकर के आता है तो जीव का भी जन्म नहीं हो सकता। देश काल वस्तु क्रिया और संस्कार, इनके पर ही जीव को बोया जा सकता है। और शुद्ध खालिश अद्वय का जब तक हम विवेक नहीं करते हैं तब तक वो सर्वज्ञ हुआ, वो सर्वशक्तिमान हुआ, वो सर्व कारण कारण हुआ, वो सबका उत्पादक हुआ, सबका स्थापक हुआ, सबका विनाशक हुआ, संहारक हुआ, और सबका आधार हुआ, और सबका अंतर्यामी हुआ, और सबका प्रेरक हुआ। तो ये चेतन के साथ इतना क्या उपद्रव लग रहा है?
ये उपप्लव चैतन्य के साथ ये इतना उपद्रव कहां है। अच्छा, ये जो ईश्वर है वो अपने शरीर के भीतर है कि नहीं है, है? और आश्चर्य तो ये है कि इसी शरीर के भीतर बैठा है और हम उसको पहचान नहीं चाहते। अच्छा, जो दुनिया में इतना ज्ञान निकलता है, इतना ज्ञान विज्ञान निकलता है, अनुशासन निकलता है, नियंत्रण, ये कहां से आया? ज्ञान विज्ञान दुनिया में निकलता माने ये तो सब आकार और सब नाम, जैसे सब आकार परमेश्वर से निकलते हैं वैसे सब नाम भी परमेश्वर से निकलते हैं, ठीक, पर सबकी बुद्धियां कहां से निकलती हैं? तो देखो, जैसे ईश्वर सर्व बीजात्मक कारण है वैसे ईश्वर सर्व शक्तिमान है, वैसे ईश्वर सर्वज्ञ है। और न केवल इस दिखने वाली विश्व सृष्टि का ही कारण है बल्कि ये जो अलग अलग बुद्धियां हैं इनको भी उसी ने बनाया है, और इन बुद्धियों में जो अलग अलग शास्त्र निकलते हैं वो कहां से आते हैं? तो उसी के ज्ञान की परछाई है, उसी के ज्ञान की परछाई, उसी के ज्ञान का आभास सबके अंतकरण में पड़ करके सब जीव अल्पज्ञ हो रहे हैं और ईश्वर सर्वज्ञ हो रहा है। हे भगवान, तो यद्यपि जन्माद्यस्त जतः कह करके ये भी कह दिया गया कि वो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि सर्वज्ञ हुए बिना प्रपंच की कारणता की उपाधि से जब हम उसको समझाते हैं, तटस्थ लक्षण से जब समझाते हैं, जन्माद्यस्य जतः तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं है, जब कारण रूप से उसको हम समझाते हैं तब प्रपंच की मूल सत्ता उसी में निहित है ये बात समझाते हैं, और जब संपूर्ण वृत्तियों के कारण के रूप में उसको समझाते हैं तो संपूर्ण ज्ञान का जो मूल ज्ञान है वो उसी में निहित है ये बात समझाते हैं, और जब हम ये समझाते हैं कि दुनिया में कहीं सुख नहीं है, ये संसारी लोगों ने जहां जहां सुख माना है वहीं वहीं वे दुख भी मानते हैं। अच्छा, ब्याह करने में सुख है तो ब्याह करने में दुख है कि नहीं? आप लोगों में से तो बहुत लोग ब्याह किए हुए हैं, बहुमत बहुमत तो ब्याह करने वालों का ही होगा यहां, परंतु आप बताओ कि ब्याह करने में सुख है तो ब्याह करने में दुख है कि नहीं, है ना? अच्छा, बच्चा पैदा होने में सुख है तो बच्चा पैदा होने में दुख है कि नहीं? ज्यादा पैसा इकट्ठा होने में सुख है तो दुख है कि नहीं? हे भगवान, ज्यादा ऊंची कुर्सी पर बैठने में सुख है तो उसमें दुख है कि नहीं? चंदन लगाने में सिर पे सुख होता है तो उसको घिसने में दुख होता है कि नहीं? चरचराने में दुख होता है कि नहीं? छुड़ाने में दुख होता है कि नहीं? ये लगाने वाले लोग महाराज कभी कभी ऐसा लगाए जाते हैं कि रगड़ रगड़ के छुड़ाना पड़ता है। ऐसा आके कमरे में फूल छींक देते हैं ऐसे, जैसे मूर्ति का चक्र है ऐसे, तो उनको झाड़ बुहार करके साफ करने में तकलीफ होती है कि नहीं? कमरे को तो साफ करना ही पड़ता है। और दुनिया में बताओ, दुनिया में बताओ कि जब दुनिया में बेवकूफी आई तो वो दुख लेके आई कि नहीं? जब दुनिया में बेवकूफी आई तो वो दुख लेके आई कि नहीं आई? जब दुनिया में बेवकूफी आई तभी मौत आई हो, बेवकूफी के साथ मौत आई थी। आप लोगों ने देखा हो कि नहीं देखा हो
हमको मालूम है, हमने देखा है, बेवकूफी से मौत आती है, बेवकूफी के साथ, बेवकूफी के साथ ही दुख आता है। जहां मौत है वहां बेवकूफी है, जहां दुख है वहां बेवकूफी है, जहां फूट है आपस में लड़ाई झगड़ा है वहां बेवकूफी है, जहां रागव द्वेष है वहां बेवकूफी है। ये अज्ञान बड़ा भारी अनर्थ लेकर के, बड़ा भारी अनर्थ अपने साथ लेकर के आया हुआ है। तो बाबा इसके बीच में जो जहां तहां छिटपुट ज्ञान की रोशनी दिखती है, ज्ञान की चिंगारियां छिटकती हैं, वो किस ज्ञान के खजाने में से निकले हैं? शास्त्र जो निस्वार्थ, शास्त्र जो निस्वार्थ, वहीं से ये ज्ञान की सारी चिंगारियां जो हैं ये निकली हुई हैं। तब शास्त्र जोड़ी कहने का दो कारण हुआ। एक तो जगत का जो कारण है वो ज्ञान स्वरूप है, ये बात केवल जन्माद्यस्य जतः कह देने से सूचित तो हो गई थी कि जो सबको बनावेगा वो बड़ा भारी ज्ञानी होगा, लेकिन साफ साफ बात कही नहीं गई थी। और भाई ईश्वर ने सब कुछ तो बनाया लेकिन बुद्धि को नहीं बनाया, शास्त्र को नहीं बनाया, तो अधूरा ही बनाया। फिर सृष्टि को उसने अधूरा ही बनाया। अगर ईश्वर बच्चे तो बहुत से पैदा कर दे लेकिन उनको पढ़ावे लिखावे नहीं, बेवकूफ ही रखे, तो उस निकम्मे बाप के समान ही तो उसको मालूम मानना पड़ेगा ना। जो बच्चे तो बहुत पैदा करें और उनको पढ़ावे लिखावे नहीं, योग्य न बनावे, तो जब ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई और ये अपने बच्चों को बांटी, तुम इस कुर्सी पर बैठो, तुम इस कुर्सी पर बैठो, ये देह जो है कुर्सी की तरह, तो उनको योग्यता भी बांटी, उनके लिए एक संविधान भी दिया, एक संविधान भी दिया। तो इसमें एक गलती होती है विचार करते समय कि सृष्टि के प्रारंभ में दिया, केवल काल में ही ईश्वर ज्ञान देता है, अमुक काल में ज्ञान देता है, ऐसा नहीं। चलो कहां दिया, क्या बिल्कुल अंतरदेश में ही दिया या बैकुंठ में दे के जीव को धरती में भेज दिया? तो बैकुंठ देश में ज्ञान दिया या आदिकाल में ज्ञान दिया, इतने ही मत सोचो, ये भी तो सोचो कि इसी समय यहीं और इसी शरीर में बैठ करके ईश्वर ज्ञान दे रहा है। यदि वो काल में ज्ञान फूंकता है, यदि वो देश में ज्ञान बिखेरता है, तो वो इन वस्तुओं में ज्ञान बिखेरता है कि नहीं? तो ये जो अनुशासन है शास्त्र, देखो बाहर से भी आता है, आग में हाथ मत डालो, ये बात बच्चा कहां से सीखता है? अरे जब आग में हाथ डालने से जलता है हो तो सीख ले, बाहर से आग में बैठ करके ईश्वर सिखा देता है कि आग में हाथ नहीं डालना चाहिए, और संस्कार में बैठ के सिखा देता है कि माता का दूध पुचर पुचर पियो, वो भीतर बैठ के सिखा देता है। ये मनुष्य के बच्चे तो सामान्य रूप से मुंह में तन डाल देने पर पीते हैं, बोला वो भी खींचना कौन सिखाता है? अच्छा उसको भी संस्कार से मान लो। अरे मैंने कुत्ते के बच्चों को देखा है, वो तो कुतिया जो है ना वो अपने बच्चों के मुंह में तन नहीं डालती है और उनकी आंख भी नहीं होती है, बिल्कुल अंधे होते हैं जब पैदा होते हैं, जब अंधे होते हैं वो तो अपनी मां के पेट पर इधर उधर अपना मुंह घुमाते हैं,
और घुमाते घुमाते जब अपनी माता का वो दूध देने वाला स्थान मिलता है ना, तो उसको मुंह में लेकर के पीना शुरू कर देते हैं। तो उनको वो ढूंढने की विद्या कौन सिखाता है? शास्त्र का अर्थ समझो, अंत प्रविष्ट शास्ता जना नाम, आदिस्थ शास्ता जना नाम नहीं बना, आदि में रहकर वो जगत का शासन करता है वो दूसरी चीज है, और वैकुंठ में बैठ करके, धुरधाम में बैठ करके, कुल्लय मालिक के रूप में और वो अनुशासन करता है वो दूसरी बात है, और यहां बैठ करके अनुशासन इसी रूप में करता है और बाहर से भी करता है, बाहर से भी करता है और भीतर से भी करता है। तो इसकी योनि क्या है, इसका कारण क्या है? इसका कारण अपना ज्ञान स्वरूप, अज्ञात जो अपना ज्ञान स्वरूप है उसका नाम ईश्वर है। अपनी ज्ञान स्वरूपता जहां तक अज्ञात रहती है तब तक उसका नाम ईश्वर रहता है। ये वेदांत में बिल्कुल स्पष्ट ये बात है, जब तक ज्ञान स्वरूप आत्मा अज्ञात है तब तक हम कहेंगे कि हमारे जीवन में जितने ज्ञान है उसका खजाना ईश्वर है, और जब अपनी ज्ञान स्वरूपता ज्ञात हो जाती है तब कहते हैं कि ईश्वर और जीव दोनों अपने ज्ञान स्वरूप देश काल वस्तु के स्पर्श के बिना, देश काल वस्तु के स्पर्श से जीव परिच्छिन्न रहेगा है ना, ये ज्ञान स्वरूप परिच्छिन्न रहेगा। तो देश के स्पर्श के बिना, काल के स्पर्श के बिना, वस्तु के स्पर्श के बिना, क्रिया के स्पर्श के बिना और कर्म संस्कार के स्पर्श के बिना और उपाधि के स्पर्श के बिना जो अविनाशी अखंड ज्ञान स्वरूप है, अज्ञात दशा में उसका नाम परमेश्वर है, अर्थात परमेश्वर अभी यही इसी क्रिया कर्म की दशा में इन्हीं संस्कारों के विलास में अपने आप के रूप में, अपने आत्मा के रूप में ही विराजमान है। अब शास्त्र जो निश्वास ये दुष्कला देखो बच्चू भाई ब्रह्म जिज्ञासा ओम जन्माद्य से जता है ओम शास्त्र जो निश्वास ओम सत्य समन्वयास ओम कार को संकोपित करके सूत्र का उच्चारण करते हैं। विशेष करके मध्य संप्रदाय में ऐसी प्रथा है। ज्ञान की इच्छा होना, अर्थात जो दुख
हमें अज्ञान से हो रहे हैं, जो जन्म मरण हमें अज्ञान से प्राप्त हो रहे हैं उनकी निवृत्ति का विवाद है। ये मनुष्य ऐसा हकी है जिसकी छठी में ही जैसे हक डाल दिया गया हो, कि वो अपनी बेवकूफी को भी ज्ञान समझता है। अज्ञाने ज्ञान मानना, मनुष्य के स्वभाव का जहां वर्णन है शास्त्र में, मनुष्य का खास खास स्वभाव क्या है, तो हां उसके स्वभाव का एक ये भी वर्णन है कि अज्ञाने ज्ञान मानना, ये मनुष्य अपने अज्ञान में ही ज्ञान का अभिमान करता है। जैसे ये जिस समय क्रोध करता है, आप देखो दो घंटे के बाद जब क्रोध शांत हो जाता है तब पश्चाताप होता है कि नहीं, मैंने क्रोध कहा थे। पर जिस समय क्रोध होता है उस समय ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। क्रोधावेश के साथ जब तादात्म्य अपन्न हो जाता है ये पुरुष, तो जरा आपने ठीक होने की समझ पर तो ध्यान दीजिए कि क्रोध के समय आपने क्रोध को ठीक समझ लिया था, तो आपकी समझ ने जो क्रोध को उचित समझा था, कामावेश में आपने काम को उचित समझा था, लोभावेश में लोभ को उचित समझा था, मोहावेश में मोह को भी उचित समझा था, शराब के नशे में शराब को नहीं उचित समझा था। तो ये जो आपकी समझ है ये हर हालत में मानने लायक है कि नहीं है, तो इस नासमझी से अपविद्ध होकर के, इस नासमझी के काबू में होकर के जब आप कोई काम करते हैं तो वो आपको बहुत तकलीफ देती है। असल में तत्काल की सृष्टि ही नासमझी से है, कहता है कि आप अपनी नासमझी अगर दूर कर दीजिए तो जितने दुख हैं वे दूर हो जाएंगे। आपको एक तीर लग गया है, तीर एक बाण लगा हुआ है, वो बाण जब जब चुभता है तब तब आपको दुख होता है। वो बाण जब चुभता है तब आप बेहोश हो जाते हैं, बेवकूफी के फंदे में फंस जाते हैं। जब वो बाण चुभता है तब आप अपने को मरता हुआ का अनुभव करते हैं। उसी बाण को निकालने के लिए, आपको निर्वाण बनाने के लिए, निर्वाण करने के लिए ये ब्रह्मज्ञान प्रारंभ होता है। यदि आपकी समझ में ये आ जाए तो ऐसा होगा कि यह भी सुख और वह भी सुख, यहां यो विवाह हुआ है, यहां यो विवाह हुआ है। यहां सोना भी आनंद है, जागना भी आनंद है। यहां जन्म मृत्यु भी आनंद है और जन्म मृत्यु से मुक्त होना भी आनंद है। ये ऐसा अखंड जीवन,
अखंड ज्ञान, अखंड आनंद, जो केवल समाधि में ही न रहे, विक्षेप में भी रहे, जो केवल जीवन में ही न रहे, मरण में भी रहे, जो केवल बुद्धि में ही न रहे, बेहोशी में भी रहे, ऐसा ये परमानंद जो ज्ञान है, जिसके जिसको पाने के लिए भी आवृत्ति की जरूरत नहीं है और मिल जाने के बाद भी आवृत्ति की जरूरत नहीं है, जो मिलता है एक चोट में, तत्त्वमस्यादि महावाक्य से, और पहचान लेने के बाद दोबारा कुछ दोहराने की जरूरत नहीं रहती है। ये औपनिषद ज्ञान, वेदांत ज्ञान, ये बड़े ही विलक्षण है, ये मजबूरी नहीं है कि इतनी मजदूरी करोगे तो इतना वेतन मिलेगा, ये कोई मजदूर इतना काम करोगे तो इतना वेतन मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये कर्म का फल स्वर्ग नहीं है, और ये उपासना से निर्मित इष्टदेव की आकृति नहीं है, और अभ्यास के द्वारा सिद्ध ये कोई स्थिति नहीं है। ये आंख बंद करो, आंख खोलो, आंख को टेढ़ी करो, ये सब प्रयास इसमें नहीं है। असल में है जो कि त्यों जो चीज है उसको वो पहचान लेना, और पहचानने पर जब तुम देखोगे कि हमारे जीवन में जितने दुख थे वो सब बेवकूफी थे, लोक परलोक का आना जाना, भूत भैरव की प्राप्ति होना, हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं ऐसा मानना, ये सब अज्ञान से ही निकला था, और तत्वज्ञान होते ही ये दूर हो जाएगा। तो वो तत्व क्या है, वो उस तत्व का नाम इन्होंने रखा ब्रह्म। ये व्यवहार के लिए है, समझने के लिए ये संज्ञा उसकी बनाई। आप ये नहीं समझना कि ये कोई है ना, अगर ब्रह्म नहीं कहेंगे, सत्य कह देंगे या तत्व कह देंगे या परमार्थ कह देंगे है? या शून्य कह देंगे या राम कृष्ण कह देंगे या नारायण शिव कह देंगे तो उसमें कोई फर्क पड़ जाएगा, कोई बात नहीं है। ये तो कच्चे वेदांति हैं, उनके सामने ब्रह्म बोलो तो कहेंगे कि ठीक है, और कहीं राम कृष्ण बोल दो तो कहेंगे राम राम, ये तो खिलौने की बात हो गई। ये अभी है ना अद्वैत ज्ञान की कचाई का ही सूचक है। असल में जहां हम राम शब्द से वही तत्व, कृष्ण शब्द से वही तत्व, शिव शब्द से वही तत्व, नारायण शब्द से वही तत्व बोलते हैं, वहां एक राम के लिए अयोध्या वाले लड़ते हैं और कृष्ण के लिए ये वृंदावन वाले लड़ते हैं और नारायण के लिए वैकुंठ वाले लड़ते हैं, शिव के लिए कैलाश वाले लड़ते हैं, जिनका देश छोटा छोटा होता है ना, जैसे कई राजा हैं तो वो आपस में अपने अपने राज्य के लिए लड़ते हैं,
लेकिन जिसका साम्राज्य अखंड होता है वो अपने राज्य के लिए किस दूसरे से लड़ेगा? जब उसके राज्य के सिवाय दूसरे का राज्य ही नहीं है, उस तत्व उस धातु के सिवाय दूसरा कोई तत्व दूसरी कोई धातु ही नहीं है, तो वहां संघर्ष की सृष्टि, वहां संघर्ष की सृष्टि कैसे होगी? तो अब आओ तत्व के बारे में विचार करें। तत्व उसको कहते हैं, तत्व तत्तना माने जो उसका स्वरूप है सो। आकृति का आरोप किए बिना, जैसे सोने में कंगन हार कड़ा इन सब सकल सूरतों का आरोप किए बिना जो सोने का वस्तु सत्व है उसको तत्व कहते हैं। आकार के आरोप से विनिर्मुख नाम भेद और रूप भेद तभी होता है जब विशिष्ट आकृति मिलती है। तो ठीक है कि विशिष्ट आकृति की प्रतीति हो, हम प्रतीति के विरोधी नहीं हैं, परंतु प्रतीति में दृश्यमान जो आकृति है उसकी सत्यता के विरोधी है, उसकी सत्यता के विरोधी है। प्रतीति का विषय होता हुआ जो भिन्न भिन्न आकार और आकार के भिन्न भिन्न नाम और आकार के भिन्न भिन्न रूप, आकार अलग चीज है और उसमें रूप अलग चीज है। देखो मनुष्य की आकृति है सबकी, परंतु इसमें कोई किसी का रूप काला है और किसी का रूप गोरा है, तो रूप काला गोरा होता है और आकृति जो है ना वो तो अवयव स्थान विशेष है। तो आकृति में ही नाम और रूप का भेद होता है। तो हम तत्व उसको कहते हैं जिसमें नाम और रूप का आकृति का जो आरोप है उस आरोप को एक बार अपनी बुद्धि से हटा दें। कंगन हार के रूप को तोड़ के नहीं हो, तोड़ के नहीं, गला के नहीं, गला के अगर तुमने सोने को पहचाना तो कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं किया। अगर हथौड़े से तोड़ के सोने को पहचाना तो कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं किया। ये नाम रूप आकार जो के त्यों बने रहे और इनमें बुद्धि से जो नाम है रूप है आकार है उसका अपवाद कर दें, अपवाद कर दें माने बुद्धि से हटा दें। आकार के आरोप से विनिर्मुक्त धातु है इसको पहचानना। तो ये जगत में जितने भी नाम रूप आकृति कर्म कभी थे हैं और होंगे, इनसे विनिर्मुक्त भिन्न भिन्न प्रतीति होने पर भी कुंभे कुंभे समंता नभैव द्वितम कुंभ भेदे प्यभिन्ना, कुंभे कुंभे समंतात नभैव द्वितम कुंभ भेदे प्यभिन्ना। जो हर घड़े में है परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण है, और कुंभ का भेद होने पर भी उपाधि का भेद होने पर भी अभिन्न है। तो अंत में बचती क्या है कि अंत में नाम रूप आकार का निषेध कर देने पर
माने प्रतीति के विषय का निषेध कर देने पर जिसको प्रतीति होती है वही बचता है, अन्न नहीं बचता। न अन्न प्रकृति बचती है, बुद्धि में देखो, बुद्धि में न अन्य परमाणु बचता है, न अन्य विषय बचते हैं, न अन्य इंद्रियां बचती हैं, न अन्य अंतकरण बचता है, न अन्य प्रकृति बचती है, न अन्य शून्य बचता है, न अन्य ईश्वर बचता है। जिसके द्वारा ये सब कुछ प्रकाशित हो रहा है वो स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्योति, विश्व ज्योति, वो आत्म तत्व ही शेष रहता है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ जो वेदांत में है, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा, वो एक बार आकार और तन मूलक नाम रूप इनका निषेध करके, माने ये वस्तुतः नहीं है, प्रतीति मात्र है, और प्रतीति जो है वो अपने स्वरूप में बिल्कुल अन्य वस्तु नहीं है, अपना स्वरूप ही है, तो देश काल वस्तु कुछ नहीं है, सजातीय विजातीय स्वगत कुछ नहीं है, जो कुछ है तो सब प्रतीति मात्र है। इस प्रकार ब्रह्म माने परिच्छेद सामान्यात्यंता भावों का लक्षितास्त्र, भाई वेदांत दर्शन की बात करेंगे तो अब ये खटकिन की बात सुनाने से तो काम चलेगा नहीं। साग गणित मणि गुणगण जैसे, एक साग बेचने वाली थी है, उसको कहीं हीरा मिल गया, तारस मणि मिल गया, तो उसके साथ चलती थी, वो पहचानती नहीं थी। तो खटकिन वाली बात समझाने से तो तत्व समझ में नहीं आता, इसके लिए तो हमारी दृष्टि सब दृष्टांतों को छोड़कर, रज्जु सर्प को तिलांजलि देकर, बोला सुष्टिका रजत को बाहर मैदान में फेंक कर, आकाश की नीलिमा की ओर से नजर हटा के, परिच्छेद सामान्यात्यंता भावों का लक्षितत्व, परिच्छेद का जो सामान्य है, परिच्छेद माने भेद, खंड खंड टुकड़ा है, उसका सामान्य माने जितने किस्म हैं, कोई परिणाम से अनेक होता है, कोई उपाधि से अनेक होता है, कोई विकार से अनेक होता है, कोई अवस्था से अनेक होता है, जितने प्रकार के परिच्छेद की किस्म है, प्रकार हैं, सामान्य हैं, जातियां हैं, उनको एक बार परिच्छेद मात्र को निकाल दो, जैसे क्षण क्षण में काल है, तो क्षण क्षण का ख्याल मत करो, क्षण क्षण से रहित जो काल है उसका ख्याल करो, क्षण भेद से मुक्त काल, अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बाहर भीतर, इस भेद से रहित देश अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता, और मिट्टी पानी आग शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके भेद से रहित जो सत्ता है वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। तो ये जो शब्दादि के भेद से रहित, पृथ्वीआदि के भेद से रहित तन्मात्र, और ये जो पूर्व पश्चिम आदि के भेद से रहित बिंगमात्र, ये जो क्षण रात्रि दिव आदि के भेद से रहित काल मात्र, ये सब क्या है, कि ये सब संबंध मात्र आत्मा से अभिन्न है,
काल की अभिन्न होने से आत्मा अविनाशी है, देश के भी अभिन्न होने से आत्मा परिपूर्ण है, वस्तु के भी अभिन्न होने से आत्मा अद्वय है और स्वयं आत्मा चिन्मात्र है और इसकी नाश के लिए कोई काल नहीं है, इसके संकोच के लिए कोई देश नहीं है, इसको दूसरा बनाने के लिए कोई वस्तु नहीं है। ऐसा जो प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न अखंड तत्व है उसको ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म ये ऐसा है ना, इसको साधन से ऐसा बनाना नहीं है, अभ्यास से ये उत्पन्न नहीं होता, उपासना से वृत्ति पदाकार नहीं होती, ये धर्म का फल नहीं है। इसमें धर्म के द्वारा फल उत्पन्न करना नहीं है, उपासना के द्वारा वृत्ति को तदाकार करना नहीं है, अभ्यास के द्वारा वृत्ति को शांत करना नहीं है। ये तो जैसा है यथार्थ परमार्थ उसको वैसा जानना है। तो केवल अज्ञान की निवृत्ति के सिवाय इसमें दूसरा कोई कर्तव्य उपस्थित नहीं होता। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, केवल आत्मदर्शन अपेक्षित है। बोले कि आओ इसको दोहराने, कहां एक चोट में न दिखे तो दोहराओ, पर अब तो देख लिया, अब दोहराने का अभी नहीं देखा, क्योंकि तुम अपने को कर्ता और भोक्ता समझते हो। तो ये जो नारायण वेदांत की प्रक्रिया है उस साधन रूप नहीं है, प्रमाण रूप है। बोला साधन रूप प्रक्रिया धर्म है, साधन रूप प्रक्रिया उपासना है, साधन रूप प्रक्रिया योग है। योग में समाधि भी है, विश्राम भी है, असंगता भी है, दृष्टापना भी है, ये सब कथक योग में है। और ये तो उस पर्दे से फाड़ दिया जो अपने आप की अद्वितीयता में बाधक हो रहा था। पर्दा फटता है, वस्तु उत्पन्न नहीं होती, केवल प्रतिबंध की निवृत्ति होती है, वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। ये जो नारायण है, ये महाराज ये दुनियादार लोग होते हैं ना, तो उनको तो कुछ करते करते बेचारे थके होते हैं। एक बड़े बड़े करोड़पति हैं नारायण, तो वो काम करते करते उम्र जरा ज्यादा हो गई तो थक जाते थे। तो एक दिन उन्होंने पूछा कि महाराज अब चार पांच घंटे काम करने पर थक जाता हूं, तो उनको एक चुप्पी बताई कि तुम ऑफिस में ऐसे कर लेना तो तुम्हारी थकान मिट जाएगी। तो ये करने लगे, अब 12-15 बरस हो गया अभी आए थे। तो कहते हैं कि ये इससे बड़ा ही लाभ हुआ महाराज, अब हम फिर 6-8 घंटे ऑफिस में बैठ के काम कर लेते हैं। ऐसे तो जो दिन भर मेहनत करता है उसको तो विश्राम चाहिए। जिसके चित्त में बहुत विक्षेप है और उसको समाधि चाहिए, जिसका प्यारा खो गया है उसको उपासना चाहिए हो, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर करते, हमारा यार है हम में है, हमन को देकर आवी क्या है। कबीरा इष्ट का माता दुई को दूर कर बिल्कुल, जो चलना राह नाजुक है हमन पर बोझ भारी कर, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर से, जिनको अप्सरा चाहिए, जिनको पार्क चाहिए, जिनको हवाई जहाज चाहिए, जिनको शराब चाहिए, वो स्वर्ग में जाएं।
वहां अप्सरा भी है, विमान भी है, नंदनवन भी है, दिव्य शरीर भी है, भोग भी है, जाओ स्वर्ग में। और नारायण जिसको अपना बिछुड़ा हुआ प्यारा चाहिए वो उसकी याद में तड़पे, जो थका हुआ है तो विश्राम करे, सो जाओ। और नारायण ये तो ऐसा है कि जैसे यही दिल बैठा हो और पहचान में नहीं आता हो, इसको एक बार लखा दिया और पहचान लिया, सामने हो और पहचानते न हो, ऐसा है। अच्छा, यहां से किसी को चौपाटी जाना हो तो या तो वो निकल के बाहर भटकेगा और या तो किसी जानकार से पूछ लेगा कि चौपाटी कहां है, कहें है ना, और बता देगा और देख लेगा, वो चौपाटी मिल जाएगी उसको। और यदि वो कहे कि राम राम हम तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे करें, तुम तो ठग हो, तो यथार्थ वस्तु बता देने पर तुरंत दिख जाती है, बोला कि जब अपरोक्ष साक्षात्कार की योग्यता वस्तु में होती है तो वाक्य ज्ञान के द्वारा, वाक्य के ज्ञान के द्वारा उसका अपरोक्ष होता है। जैसे आंख में काच कामलादि दोष के रोग हुआ हो और औषध से उसको निवृत्त कर देने पर सामने की वस्तु दिखने लगती है, जैसे अनुमान से झूले को देख करके अग्नि का प्रत्यक्ष हो जाता है, इसी प्रकार यदि साक्षात अपरोक्ष कोई वस्तु हो, यही हो, अग्नि हो, यही हो और पहचान न हो तो बता देने से तुरंत मिल जाती है, उसकी पहचान हो जाती है। तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इस ब्रह्म को समझाने के लिए दो ओर दृष्टि जाने की जरूरत है। लोग प्रसिद्ध अनुभव का अनुवाद करते हैं, एक तटस्थ लक्षण और एक स्वरूप लक्षण। तो सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म और यतोगा इमानि भूतानि जातानि, यतोगा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्ति अभिसंवितंति। तो इसमें ये बात सुनाई कि ब्रह्म का बोध होने के लिए ये जरूरी है कि जो जितना भेद दिख रहा है उसका निषेध हो, भेद न हो तब अभेद ब्रह्म की सिद्धि होगी, तब अपने को अभेद ब्रह्म के रूप में जानेंगे। यदि भेद ये मिथ्या है, यदि भेद मिथ्या न हो सत्य हो तो अद्वैत ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी। तो ब्रह्म की अद्वैतता को सिद्ध करने के लिए प्रपंच के मिथ्यात्व का साधन किया जाता है। साधन का मतलब ये नहीं समझना कि जीव को ऊपर उठाते हैं या आंख को स्थिर करते हैं या शीत की रीढ़ सीधी सीधी करते हैं। हमारे एक अघोरी संत है हमारे साथी के साथ, सीमाराम महाराज वहां पैदा हुए, उस संत के आचार्य सीमाराम थे। हमारे गांव से 6 मील 7 मील तक उनकी जन्मभूमि है, रामगढ़ उसका नाम है। बड़ी बड़ी सिद्धि उनकी मशहूर है महाराज। तो हमारे समय में तो नहीं थे, तो 150 वर्ष पहले हुए हैं। उनकी चेली काफी हमारे पास आते जाते हैं, अधूरी थे वो। अधूरी शब्द का शायद आप लोग नहीं जानते हैं। तो उनके पंथ में क्या करते हैं कि नाभि है ना, नाभि
तो जब हम सांस लेते हैं तो थोड़ी हरकत होती है ना नारी। अधेरी का मतलब है वो सब कुछ खाते हैं और सब कुछ करते हैं, बस ये समझ गया। जो चीज गले के नीचे उतर सकती है उसको वो खाते हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं। ठीक है बोला, जो चीज गले के नीचे उतर जाए उसको तो खाते हैं, और जो अपने शरीर से वो कर सकते हैं तो करते हैं। और मकान में रहते हैं, बिल्ली भी खाते हैं बोला। तो सीमा राम पंत उसको बोलते हैं, तो वो क्या बताते हैं, ये उसमें ये निकलता है, वो ऐसे कहते हैं कि बैठ जाए, ये देखो तुम्हारी नाभि मिल रही है कि नहीं। नाभि में ध्यान करना उनके पंत की खास विशेषता है, और एक सांस चलने से नाभि हिल रही है, तो नाभि हिल रही है और तुम उसको देख रहे हो, ऐसे समझो। तो नाभि की हरकत देखने वाला हरकत से जुड़ा है, दृष्टा हो गए ना, असंग हो गए, दृष्टा हो गए। ऐसे महाराज आंख खुलती है, सांस चलती है, हम दृष्टा हैं, वृत्तियां उठती गिरती हैं, हम दृष्टा हैं। तो इन सब का अर्थ वेदांत नहीं है ना, कोई मूलाधार चक्र में अपने को लीन करते हैं, कोई स्वाधिष्ठान में अपने को जागृत करते हैं, कोई मणिपूरक को हिलते हुए देखते हैं, कोई अनाहत चक्र में वृत्तियों के उत्थान और पतन को देखते हैं, है? कोई संतकूप में विशुद्ध चक्र में डुबकी लगाते हैं संतकूप में, कोई आज्ञा चक्र में शिव का दर्शन करते हैं, कोई सहस्रार में गुरु से तल्लीन होते हैं, कोई हृदय में इष्ट देवता का ध्यान करते हैं, कोई ब्रह्मरंध्र में समाधि लगाते हैं। ये साधन की प्रक्रिया दूसरी चीज है, और ये वेदांत की प्रक्रिया तो जैसे हम आंख से रूप देखते हैं, ऐसे अपने आप को ब्रह्म के रूप में साधन करने की नहीं, दोहराने की नहीं, जान लेने की प्रक्रिया है। तो ये ब्रह्म परिच्छेद सामान्या चिंता भाव उपलक्षित आत्मादार द्रष्टव्य, ये हम किसी बच्चे में दोष बताने के लिए दोष नहीं बताते हैं, है ना? आत्मज्ञान में ब्रह्मज्ञान में प्रवृत्त करने के लिए दोष बताते हैं। अभी मैं इस यात्रा में गया था तो एक दिन मैंने किसी का दोष बताया, एक बड़े सेब के घर में बैठे थे तो साधुओं की चर्चा चल रही, मैंने कहा कि ये सब आजकल खड़िया पंचन घूमती रहती है, बड़े सेब से देश में मान उद्योगपति बोले, नहीं नहीं स्वामी जी ऐसे मैं ऊपर बैठा था नीचे बैठ सकते, नहीं नहीं स्वामी जी अपने अपने स्तर में सब ठीक होते हैं, ऐसे बोले। देखो आपके पास सब कहां पहुंच सकते हैं, ऐसे बोले। जो अवधूत हैं, विद्वान हैं, विरक्त हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, उनके साथ सारी दुनिया तो नहीं पहुंच सकती है, तो किसी के पास गंजेरी ले भी सकते होते हैं, किसी के पास भंगेरी ले भी सकते होते हैं, और किसी के पास चमत्कार चाहने वाले इकट्ठे होते हैं, और वहां वो जब जागे की चलन वो कदम खींचते हैं और बोलते हैं जय दुर्गदेव जय अवधूत है जय विठल, जब वो बोलते हैं और दम चढ़ा करके और भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, तो उनके पास इकट्ठे हुए गंजेरी भंजे भंजेरी भेज भी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, सब आपके पास कहां से पहुंचेंगे? तो उनके पास पहुंचने वाले साधु भी तो रहने चाहिए ना, उनके कहने का अभिप्राय है ना।
फिर सेठानी ने भी महाराज उनका साथ दिया, दोनों पति पत्नी जैसे हुए थे दंपति मेरे को। ये इसी अभी 12 मार्च की बात है ना, जब हम बनारस से लगाना हुए थे वृंदावन के लिए, सेठानी ने कहा कि स्वामी जी वैसे तो हम न किसी का पांच छूते हैं और न किसी को हाथ जोड़ते हैं प्रणाम करते हैं, लेकिन जब रास्ते में हमारा मोटर चलती है और देखते हैं कि कोई दुर्गा कपड़ा पहनने जा रहा है तो हम सिर झुका के हाथ जोड़ लेते हैं, है ना। तो ये जो हमको हाथ जोड़ने का सिर झुकाने का अवसर मिलता है, ये इन लोगों को देख के ही तो मिलता है। अगर ये सड़क पर घूमते हुए न होते तो हम कहां से सिर झुकाते और कहां से हाथ जोड़ते। एक बात आपको सुनाता हूं, मैंने तुरंत अपनी गलती महसूस कर ली है कि करिया पलटन करके मैंने बड़ी गलती की है। असल में ऐसा कौन है जिसमें परमात्मा नहीं है, परंतु दिन को जाहिर करने के लिए रात को हटाना पड़ता है ना, ऐसी अद्वैत ब्रह्म को जाहिर करने के लिए द्वैत का निषेध करना पड़ता है। जब तक हम धर्मानुष्ठान का निषेध नहीं करेंगे तब तक कर्तृत्व का निषेध ठीक नहीं होता। तो हम अधर्मानुष्ठान के बारे में नहीं बोलते हैं, तो क्यों नहीं बोलते हैं, तो हम इतना विश्वास करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो ये समझते हैं कि अधर्म नहीं करना चाहिए, परंतु ये अवस्था ऐसी आती है अधर्म को तो तुम खुद छोड़ कर आए हो, एक अवस्था ऐसी आती है जहां धर्म को भी छोड़ना पड़ता है। आप फिर मैं ये कहां कहता हूं कि आप काम क्रोध लोभ मोह छोड़ो, हम जानते हैं कि आप भली भांति इस बात को समझते हो कि काम क्रोध लोभ मोह नरक के द्वार हैं। हम तो आपको कहते हैं कि जरा उपासना से भी ऊपर उतरो, हम उपासना के दोष बताते हैं क्योंकि उसमें भोक्तृत्व जो है ना वो बना रहेगा। यदि कर्तृत्व का निवारण करना है तो धर्मानुष्ठान से भी ऊपर उठाना है, यदि आपको भोक्तृत्व का निवारण करना है तो उपासना से सिद्ध जो कर्मानंद रूप जो आपके इष्टदेव का आकार है उससे भी ऊपर उठाना है, हम ये आपको कहां कहते हैं कि विक्षेप छोड़ो। हम जानते हैं कि ऐसा कोई सत्संगी नहीं है जिसको ये मालूम न हो कि विक्षेप छोड़ देना चाहिए, विक्षेप अच्छी चीज नहीं है। अरे हम तो कहते हैं समाधि छोड़ो, मैंने एक ऐसा स्तर है जब खड़िया पलटन में भी गुण है तो समाधि में गुण नहीं है ये कहने का हमारा अभिप्राय नहीं है, उपासना में गुण नहीं है ये कहने का अभिप्राय नहीं है, धर्म में गुण नहीं है ये कहने का अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय तो ये है कि आप अपने स्तर पर आ जाइए जहां से वेदांत की जिज्ञासा होती है। बोले भाई हम संगी तना और देह के तादाद में तो इसका निषेध नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, तो आप सब लोगों को ये बात मालूम है कि आत्मा संगी नहीं है और आत्मा देह नहीं है। हम तो जब आप असंग साक्षी बन करके बैठ जाते हैं तब हम कहते हैं कि इससे जरा एक पीढ़ी और ऊपर कर रहे भाई, है ना, इससे और एक असंग साक्षी होना तो बड़ी भारी साधना है, बड़ी ऊंची स्थिति है ना, वो कोई मामूली चीज थोड़ी है। पर हम जब ब्राह्मण ज्ञान का निरूपण करते हैं तब ये बात आपको सुनाते हैं कि ये तुम्हारा असंग साक्षी कहीं किसी गुफा का कैदी न रह जाए, उसको अद्वैत ब्रह्म के रूप में जानो। तो उसको अद्वैत ब्रह्म के रूप में जानने की प्रक्रिया क्या है, प्रमाण प्रक्रिया उसके लिए होती है, साधन प्रक्रिया नहीं है।
क्योंकि साधन प्रक्रिया में कर्तापन और भोक्तापन को मिटाने का सामर्थ्य नहीं है। जो साधन करेगा वो साधन का कर्ता रहेगा, जो विश्राम जानबूझ के विश्राम करेगा वो विश्राम का कर्ता रहेगा, जो जानबूझ के समाधि लगा देगा है ना वो समाधि का कर्ता रहेगा, जो जानबूझ करके असंगता साक्षिता का चिंतन करेगा वो चिंतन का कर्ता रहेगा, और उस अवस्था में जो सुख मिलेगा जो विक्षेप दशा से विलक्षण जो आराम मिलेगा जो सुख मिलेगा उसका वो भोक्ता हो जाएगा। और फिर आओ और जाओ, उस अवस्था में आओ और फिर निकलो और निकलो और फिर बैठो, ये मजबूरी लगी रहेगी। तब उस ब्रह्म को जानना चाहिए, जिस ब्रह्म को जानने के बाद सब अवस्था ब्रह्म रूप ही हो जाती है, मालूम पड़ती है, पहचान ली जाती है कि सारी अवस्था ब्रह्म रूप है। वो जो उद्योग पति वाली बात मैंने कही ना, फिर याद आ गई, वो कदमपत सिंघानिया और उनकी पत्नी दोनों से जो हमारी बात की हुई थी वो नाम लेके सुनाता हूं, हमको बहुत बढ़िया लगी है। हमने सोचा कि अहो इनके हृदय में ऐसी श्रद्धा का भाव है कि ये हमारी खड़िया पलटन को भी है ना देश के लिए मानव समाज के लिए उपयोगी समझते हैं, इनके हृदय में कैसी श्रद्धा और कैसा विनय है कि उसको भी प्रणाम करते हैं। ये अपने मन में जो गुड़ बुद्धि हुई वो सुना रहा हूं। और बुराई देखने के लिए तो महाराज अपने में इतनी है, बस इतनी बुराई है कि यदि हम अपने को असंग न जानते, अपने को साक्षी न जानते, नारायण अपने को ब्रह्म न जानते, तो ये बुराई तो हमको एक दिन में ही दबा के हैं, ये दबा के एक गहरे गड्ढे में हमेशा के लिए डाल देते। ये तो इनसे उठने का उपाय ये है कि हम जानते हैं कि हम इनसे असंग हैं, हम इनके साक्षी हैं, और साक्षी नहीं हम ऐसे ब्रह्म हैं जिनमें हमारे सिवा दूसरी कोई बुराई भलाई का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये ब्रह्म की पहचान कराने के लिए दो उपाय होते हैं। एक तो स्वरूपतः ब्रह्म को समझाया जाए कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, और ये तटस्थ लक्षण से ब्रह्म को समझाया जाए कि जब इतना भेद दिख रहा है, कुंभी समंता नभिता कुंभ विवेश अभिन्नम नारायण, जब इतना भेद दिख रहा है तब एक भेद रहित ब्रह्म को कैसे पहचाने, चाहे हम भेदात्यंता भावों का लक्षित भेद की अत्यंता भाव से उपलक्षित वस्तु को पहले समझा देते हैं। भेद के लिए तो रख करके जिसमें भेद भास रहा है और जिसको भेद भास रहा है उसको पहले समझा देते हैं, तो जिसमें भेद भास रहा है वो भेद की अत्यंता भाव का आविष्कार है, और जिसको भेद भास रहा है वो भेद की अत्यंता भाव का प्रकाशक है, और भेद की अत्यंता भाव से अस्पृष्ट जो अधिष्ठान और प्रकाशक है सो एक है। ऐसी स्थिति में भेद नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, केवल स्वयं प्रकाश प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न अधिष्ठान ब्रह्मी है। तो इसके लिए दो युक्ति यहां स्वीकार करनी पड़ी, एक जन्मादिष्टिता है, ये भेद कहां से जन्मा
ये भेद किसमें है और ये भेद कहा जाता है, तो निरूपण करेंगे भेद का और शुद्ध होगा ब्रह्म। ये अन्य का निरूपण करके अन्य की सिद्धि, तटस्थ लक्षण इसी को कहते हैं। तटस्थ लक्षण तद भिन्नत्वे सति तद बोध तत्वम तटस्थ लक्षणम। तद भिन्नत्वे सति लक्ष्य से अलग रहकर लक्ष्य को दिखा दे, उसका नाम क्या है? तटस्थ लक्षण। तटस्थ माने किनारे रह करके है, किनारे रह करके। तो एक आदमी वृंदावन के वृंदावन में भटक रहा था, वो व्यासुर भटक रहा था। कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, जैसे ये तटस्थ लक्षण का उदाहरण है। वो कृष्ण के लिए आतुर व्याकुल हो रहा था, आप प्यासु जीवन से हृदय व्याकुल हो रहा था, सांस बढ़ रहे थे। कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि अभी अभी वो यमुना तट पर मैंने देखा है, अपना मुकुट उतार के, पीतांबर उतार के, है ना, जनेऊ तो शरीर में है नहीं है, और यमुना में उतर के स्नान कर रहे हैं, अभी मैंने देखा है। उसने कहा कि यमुना तो बड़ी लंबी है, मैं कहां जाऊं तो यमुना में कृष्ण मिलेंगे है। तो उसने कहा वो देखो, वो ऊंचा पेड़ सबसे पेड़ दिख रहा है ना, ऊंचा कर्ण है, सब अर्जुन है, अर्जुन अर्जुन माने साल का पेड़ है, वो ऊंचा ऊंचा साल का पेड़ है, कहां है तो सही। तब बस देखो उसी है ना, जहां वो साल का पेड़ दिख रहा है उसी तट पर श्री कृष्ण यमुना में स्नान कर रहे हैं। अब उस साल का पेड़ न कृष्ण है और न यमुना है, न यमुना का तट है, वो तो यमुना के तट पर एक पेड़ है, लेकिन वो ढूंढने वाला जब उस पेड़ के पास पहुंच जाएगा तो यमुना तट दिख जाएगा, और यमुना तट दिख जाने पर यमुना दिख जाएगी, और जब यमुना दिख जाएगी तो वहां पीतांबर किनारे पर रख के और मुकुट उतार के और बनमाला रख के हैं, और सांवरे सांवरे स्नान करते हुए कृष्ण दिख जाएंगे। किसी को तटस्थ लक्षण कहते हैं। तब भिन्नत्व सति तब बोधकत्वम। अब हम जगत की ये जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, भिन्न अनेक भेद अनेक शाखा अभिन्न, कहीं कहीं गंधवती पृथ्वी दिख रही है, कहीं रसवान रसवत जल दिख रहा है, कहीं रूपवत तेज दिख रहा है, कहीं स्पर्शवत वायु चल रही है, कहीं शब्दवत आकाश फैला हुआ है, कहीं इनको ग्रहण करने वाली सांसों इंद्रियां बैठी हुई हैं, कहां कहीं इनके द्वारा समेटे हुए ज्ञान को ग्रहण करने वाली सरस्वती विराजमान है, पंच नद्यः सरस्वती अपियन्ति तत्स्रोतसा। ये सांसों इंद्रियों की जो नदियां हैं ये बाहर से ज्ञान ले लेकर के नीचे से ऊपर जाती हैं, नीचे से ऊपर की ओर बहती हैं। ये पांचों इंद्रियों की जो नदियां हैं ये भीतर से गंधवती पृथ्वी रसवत जल रूपवत तेज स्पर्शवान वायु और शब्दवत नभ का ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान की पांच धारा बनाए करके भीतर वाली सरस्वती से जा करके मिल रही हैं। सरस्वती पंचधा को देते दरक करित, और ये सरस्वती भी इन पांच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा बाहर निकल के बह रही है, और ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां भी बाहर से ज्ञान ले लेकर सरस्वती के पास जा रही हैं। पांच धाराएं जा रही हैं भीतर, और भीतर वाली धारा पांच धाराओं के रूप में निकल रही है बाहर। तो ये भेद
भेदात्मक जगत कऊवृक्ष किंचित बनम कऊवृक्ष आकर ऋग्वेद में ये प्रश्न था, ये वन क्या है? वन माने वृक्षों का समूह, वो वृक्ष कौन सा है जिससे विश्वकर्मा ने इस प्रपंच का तक्षण किया है, इस प्रपंच को गढ़ा है? ये दुनिया जिससे गढ़ी गई है वो वृक्ष क्या है, वो किस वन का वृक्ष है? इसके उत्तर में बताया ब्रह्म वनम ब्रह्म वृक्ष, ब्रह्म ही वन है और ब्रह्म ही वृक्ष है और उस ब्रह्म ने ही इसका तक्षण किया है, ब्रह्म ही विश्वकर्मा है। तो देखो इसको तटस्थ लक्षण बोलते हैं, तद भिन्न प्रेपति तद बोधकर्ता, और स्वरूप लक्षण किसको बोलते हैं? तद भिन्न प्रेपति तद बोधकर्ता, तद भिन्न प्रेपति उससे अभिन्न होकर उसको समझाए। इसका गांव में गए एक से पूछा महाराज कि देखो मोहन जी का घर किधर है, तो एक ने कहा कि देखो देखो ये कौवा बैठा है ना, कौवा एक मकान पर कौवा बैठा है, काकराज कौवा बैठा है, तो वो कौवा जिस घर पर बैठा है वही मोहन जी का घर है। कौवा तो थोड़ी देर के बाद उड़ जाएगा, वो मकान से संबद्ध तो कोई कौवा नाम का लक्षण नहीं है, उड़ जाएगा, लेकिन संबद्ध न होने पर तटस्थ होने पर भी मकान को पहचानने में मददगार है कि नहीं? मकान को पहचानने में मददगार है, आदमी जोड़ लेगा बोला। और एक ने बताया कि देखो वो जो बिंदज उठे हुए ना शिखर, शिखर जिस मकान में शिखर दिखते हैं सो मोहन जी का मकान है, तो दोनों लक्षण में फर्क हुआ कि नहीं? शिखर जो है वो तो मकान का अवयव है, मकान से अभिन्न है, मकान से अभिन्न होकर के शिखर मकान को की पहचान कराता है, ये स्वरूप लक्षण हुआ। वो गुंबद वाला शिखर वाला और वो कौवे वाला, ये तटस्थ लक्षण हुआ। तो देखो दूध की कल दूध बोले चंद्रमा, कल तो बहुत बढ़िया था, कल चंद्रमा दिख रहा था, कैसे दिखा? बोले वो जैसे एक चमकीला तारा शुक्र दिख रहा है ना, कहा तो उसके जरा दो दो हाथ दोनों देखो तो नीचे की तरफ, दो हाथ जो नीचे की तरफ देखा तो हसीये की तरफ चंद्रमा, जैसे चांदी का हसिया है, चांदी का हसिया इस खेती का उद्घाटन करने के लिए भगवान ने बनाया था, चंद्र जब गेहूं की फसल पैदा हुई तो चांदी का हसिया बनाया था, और है ना एक मिनिस्टर को देख दी हत्या की जाओ संस्कृति। एक कवि ने तो लिखा है कि ये जो काल चक्र चल रहा है ना, इसके घोड़े की नाल जो है वो उसके पहन से छिपक जैसी तो आसमान में हसिया हो गई, ना चांद हो गई, द्वितीय का चांद, द्वितीय का चांद। ऐसा तो अब उस चांद को पहचानने के लिए क्या हुआ, पहले शुक्र तारे को बताया, तो शुक्र तारा तो इसका तटस्थ लक्षण है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा शुक्र नहीं है, चंद्रमा से भिन्न होकर के शुक्र चंद्रमा के ज्ञान में हेतु है, और जो हसीये की तरह चांदी के हसीये की तरह जो चमक रहा है उसको प्रकृष्ट प्रकाशक चंद्र, ये स्वरूप लक्षण होगा। चांदी के हसीये की तरह होना ये चंद्रमा का स्वरूप लक्षण है, और शुक्र से दो हाथ दूर होना ये चंद्रमा का तटस्थ लक्षण है। इसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा को समझाने के लिए जतोगा इमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, ये तटस्थ लक्षण है, और सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म ये स्वरूप लक्षण है।
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये स्वरूप लक्षण है और तद ब्रह्म तद विधि ज्ञातस्व यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते ये तटस्थ लक्षण है और ये शास्त्र जो निस्वास भी ब्रह्म का तटस्थ लक्षण ही है स्वरूप लक्षण नहीं है। है ब्रह्म से अलग शास्त्र सब के सब ब्रह्म के पृथक रहकर ब्रह्म को समझाते हैं और ब्रह्म ज्ञान होने पर मिथ्या हो जाते हैं विचित्र है ना। ये प्रपंच ब्रह्म से अलग रह करके ब्रह्म का बोधक है उत्पत्ति स्थिति प्रलय के द्वारा और ब्रह्म ज्ञान होने पर प्रपंच ब्रह्मातिरिक्त नहीं रहता है। अच्छा तो आज तो बिट्टू भाई को कुछ काम है के प्रति आसक्ति और तादात्म्य इन दोनों का अभिनिवेश रहता है तब तक उसके मन में ब्रह्मज्ञान की इच्छा उदय नहीं होती। परिच्छिन्न के प्रति आसक्ति और परिच्छिन्न के साथ तादाद मानो परिच्छिन्न में अहंता ममता आसक्ति से समझे ममता और तादाद में से समझे अहंता। जब तक टुकड़े टुकड़े चीज में ममता रहती है और इस शरीर रूप एक टुकड़े में जब तक अहंता रहती है तो रहे तो सही परंतु अभिनिवेश न रहे। मैंने ऐसे कहा जब तक परिच्छिन्न में आसक्ति और परिच्छिन्न में तादात्म्यता अभिनिवेश रहता है मानो हम उसको छोड़ने के लिए उद्यत नहीं होते तब तक ब्रह्म जिज्ञासा का हृदय मन हो गया। कि जो परिच्छिन्न में आसक्ति है वो तो अंतकरण की शुद्धि से परिच्छिन्न की आसक्ति में जो अभिनिवेश है वो तो अंतकरण की शुद्धि से दूर हो जाएंगे परंतु परिच्छिन्न में जो तादात्म्य है वो तादात्म्य बिना श्रवण मनन निधि विभाषण के
जीवित नहीं हो सकते। अहम भाव जो है उसके भावना से जितना हटाएंगे उतने ही वे परिच्छिन्न में दृढ़ होगा। आपको कल मैंने एक बात सुनाई थी जो फिर से हम उसको चाहते हैं कि आपकी बुद्धि में ठीक ठीक आरूढ़ हो जाए। सर्वधर्मांतरित इस श्लोक की व्याख्या में एक महान आचार्य ने ये बात कही कि यहां भगवान धर्मचरित त्याग की आज्ञा दे रहे हैं, अधर्मचरित त्याग की आज्ञा क्यों नहीं देते हैं। ये आचार्य ने ये प्रश्न ही उठाया है। सर्वधर्मांतरित मान एकदम शरणम ब्रज, उन्होंने ही इसका उत्तर दिया कि अधर्म का परित्याग आबाल वृद्ध सामर्थ सबने ये प्रसिद्ध है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। अधर्म का परित्याग तो आबाल वृद्ध सामर्थ सबने प्रसिद्ध ही है, उसके परित्याग की आज्ञा देने की कोई जरूरत नहीं, उसकी तो आज्ञा दी हुई है। परंतु कोई अवस्था ऐसी आती है जहां धर्म का भी परित्याग करना पड़ता है, जहां यज्ञ भी नहीं रहता है, अग्निहोत्र भी नहीं रहता है, संध्या वंदन भी नहीं रहता है, चौकी नहीं रहती, जनेऊ नहीं रहता, ब्रह्मचर्य धर्म नहीं रहता, गृहस्थ धर्म नहीं रहता, वानप्रस्थ धर्म नहीं रहता, संन्यास धर्म नहीं रहता, एक ऐसी अवस्था आती है। वो अवस्था तो सबको मालूम नहीं है ना, तो और हम उसका उपदेश किए बिना तुमसे कैसे छोड़ दें। जिसमें तुम बंधे हुए हो एक बंधन तो वो भी है, उसके परित्याग का भी उपदेश कर दें। तो आपने ध्यान दिया होगा कल मैंने सुनाया है